दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी 3.0 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने रोजाना का तरह 30 अगस्त का करंट अफेयर ला दिया है जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों मैं रोजाना इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। तो आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला 30 अगस्त का करंट अफेयर। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आपको किसी भी वीडियो में बताता हूँ या फिर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा, मैं जो भी क्वेश्चन पूरा बताता हूँ एक बार उनका दोबारा फिर से रिवीजन कराता हूँ। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, एक बार पूरे क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद मैं दोबारा फिर से उन सभी क्वेश्चन का दोबारा रिवीजन कराऊंगा। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है, 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियोनेल आइगिमिया, उनका नाम है लियोनेल आइगिमिया, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, लियोनेल आइगिमिया उनका नाम है, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाउरू याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाउरू। हाल ही में लियोनेल आइगिमिया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, नाउरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में फेसियल BSID लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है। तो बताना है आपको, हाल ही में फेसियल BSID लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है। तो अपना भारत, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अपना देश भारत बना है। हाल ही में फेसियल BSID लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का संबंध कितना प्रतिशत भारत में है। सॉरी सुंदरवन डेल्टा का लगभग सॉरी सुंदरवन डेल्टा का लगभग कितना प्रतिशत भारत में है। तो याद रखना है आपको, 40% भारत में है, याद रखना है आपको, सुंदरवन डेल्टा का लगभग 40% भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किए गए स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत ऑनलाइन जक्शन को क्या नाम दिया गया है। तो आपको जान लेना है, इस क्वेश्चन से भी आपको एक आंसर मिल जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये भी याद रखना है, श्री रमेश पोखरियाल। तो उन्हीं के द्वारा ये स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत ऑनलाइन जक्शन की को क्या नाम दिया गया है, याद रखना है आपको, क्या नाम दिया गया है, सगुन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्री प्रसाद खरेल उनका नाम है, निम्नलिखित में से किस देश के अटॉर्नी जनरल है। तो अग्री प्रसाद खरेल निम्नलिखित में से किस देश के अटॉर्नी जनरल है, किस देश के हैं, आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल, याद रखना है आपको, अग्री प्रसाद खरेल निम्नलिखित में से किस देश के अटॉर्नी जनरल है, नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIT यानी सिटीज पार्टियों के सम्मेलन COP की 18वीं बैठक में आयोजित की गई थी। तो कहाँ पे आयोजित की गई थी COP की, सिटीज पार्टियों के सम्मेलन COP की 18वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो याद रखना है आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिटीज पार्टियों के सम्मेलन COP की 18वीं बैठक में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट करके या पूछा जा सकता है, COP की 18वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो याद रखना है आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की है। सीट नहीं है यहाँ पे, फिट है, याद रखना है आपको, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की है। तो हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की है, याद रखना है आपको, नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की है, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर महिला नेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हाल ही में सीनियर महिला नेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है आपको, सीनियर महिला नेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमोद अग्रवाल जिनको कोल इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? उनका नाम है अजंता मेंडिस, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है अजंता मेंडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला अपडेट पाने के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के पूरे हो जाने के बाद एक बार फिर से हम सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चंस बेहतर ढंग से याद हो जाए, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखना है आपको, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक बार सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं सभी वीडियो में, इस वीडियो में मैं पूछूंगा आपसे, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में देना होता है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियोनेल आइगिमिया, उनका नाम है, ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाउरू, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फेसियल BSID लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो है अपना देश भारत, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है, सुंदरवन डेल्टा का लगभग कितना प्रतिशत भारत में है? तो 40% भारत में है सुंदरवन डेल्टा का, याद रखना है आपको। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किए गए स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना है आपको, सगुन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रि प्रसाद खरेल निम्नलिखित में से किस देश के अटॉर्नी जनरल है? तो किस देश के है? नेपाल के, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीज पार्टियों के सम्मेलन COP की 18वीं बैठक में आयोजित की गई थी, तो कहाँ पे आयोजित की गई थी? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? तो हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी, में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सीनियर महिला नेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? उनका नाम है अजंता मेंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, मैंने दोबारा रिवीजन भी करवा दिया। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हम आपसे पूछने वाले हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको हमारे द्वारा आंसर इसका मिल जाएगा कमेंट में, आप देख लीजिएगा। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हाल ही में हर रविवार डेंगू परिवार, ये एक अभियान का नाम है, हर रविवार डेंगू परिवार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, आपको बताना है, तो आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो। दोस्तों मैं रोजाना इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, GK GS और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूँ। अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर इन स्क्रीन पर भी आपको वीडियोज़ दिखाई दे रहे होंगे, आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।